Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Subscribe my YouTube channel and press bell icon for more informative lectures. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे काम करती है, कौन बनाता है, केसेस कैसे डील किए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे वकला की ख्वाहिश भी होती है कि हम इंटरनेशनल लॉयर्स बने, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है, चूँकि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एस्पेक्ट्स को समझने में उनके लिए आसानी होगी। कैसे काम करती है, कैसे डील करती है, किस तरह से यहाँ पर आर्गुमेंटेशन होती है, कितने जज होते हैं, किसने बनाई, कब काम करती है, इसके फैसले क्या इन्फोर्सेबल होते हैं स्टेट्स के लिए या नहीं इन्फोर्सेबल होते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप हमारे चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बना मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलो। मेरे लेक्चर्स की फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करनी है। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। एंड अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स का और अपने फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक भी दे दूंगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एंड एक और रिक्वेस्ट, मेरे वीडियोस को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर करना ना भूला करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सके। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा TV के अंदर, इश्तहारात के अंदर और डिफरेंट मूवीज़ के अंदर, हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर इसका नाम अक्सर इस तरह के केसेस, बल्कि इनके ऊपर बहुत सी मूवीज़ भी बनाई गई हैं, बहुत से लॉयर्स के केसेस भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डील करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया को यह एहसास हुआ कि अगर हम सिर्फ लड़ते रहेंगे तो करोड़ों लोग अब हम मरवा चुके हैं, करोड़ों अरबों हम बाद में मरवा लेंगे, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर तमाम ममालिक इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर अपने मसाइल्स, अपनी प्रॉब्लम्स वहां पर डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें और उनके सोल्यूशन निकाल सकें, टेबल टॉक जिसको कहते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक प्लेटफॉर्म बना था, इसके ऊपर मैं एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर अपलोड करूंगा, बट वो नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि उसके जो मुहरकात थे, उसकी जो डेफिनेशंस थी, वो एक स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए बनाई गई थी, तो लिहाजा उसको बाकी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के लिए बनाया गया था, तभी इसका नाम यूनाइटेड नेशन ही रखा गया, सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी स्टेट्स के लिए। तो तमाम स्टेट ने इसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा भी लिया, चूँकि एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हर मुल्क को अपनी नुमाइंदगी करने का मौका मिल रहा था। यूनाइटेड नेशन, अक्वामे मुतहिदा जब बनाया, इसका पर्पस तो ये था कि मुमालिक को जंगों से, लड़ाई झगड़ों से, फसादात से दूर रखा जा सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, एक ऐसी टेबल टॉक बन जाए जहाँ पर मुख्तलिफ मुमालिक अपने मसाइल को डिस्कस कर सकें, अपने मसाइल का हल बातचीत से निकाल सकें, ना कि जंग। क्योंकि एक दफ़ा जब जंग स्टार्ट हो जाती है तो जंगें स्टार्ट करना तो हमारे इख्तियार में है, लेकिन इन जंगों का इख्तिताम हमारे इख्तियार में नहीं होता। फिर ये जंग कब, कहाँ और कैसे ख़त्म होगी ये कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और इससे पहले हमारा माजी गवाह है कि 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल तक की हमने जंगें लड़ी और करोड़ों लोग मरवा दिए हमने, करोड़ों लोग इंसानियत की जिनकी अमवात हुई, जिनकी मौत वाकया हुई, और तारीख भरी पड़ी है हमारे इन जंग, और सिर्फ छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी बड़ी जंगें और बहुत बड़े बड़े नुकसान हमने उठाए। तो बेसिकली दुनिया ने यह महसूस किया कि अब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा एक सेंट्रल पॉइंट हो जहां पर तमाम ममालिक अपने आप को डिस्कस कर सके, अपने मसाइल्स का हल कर सके टेबल टॉक के जरिए। तो यूनाइटेड नेशन का वजूद अमल में आया। यूनाइटेड नेशन के वजूद अमल में आने के बाद फिर एक और चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसी एक कोर्ट हो जहाँ पर डिफरेंट ममालिक के आपस में बिजनेस के मामलात होते हैं, उनके एग्रीमेंट्स होते हैं और उनके लेन देन के मामलात। तो अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क के साथ धक्काबाजी करता है, हेर फेर करता है, अपने वादे को पूरा नहीं करता, वादा खिलाफी करता है, धोखेबाजी करता है, तो उसको कहाँ पर सुना जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग कहाँ पर होगी? अब दोनों ममालिक अपने आप को ठीक कहेंगे ऑब्वियसली, तो कोई एक ऐसा कॉमन फोरम होना चाहिए, एक ऐसी कॉमन कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पर दोनों ममालिक मिलकर अपने केस को वहाँ पर प्रेजेंट करें और वहाँ पर बैठे जो मौजूद ऑनरेबल जजेज हैं वो फैक्ट और एविडेंस को देखते हुए अगर किसी के फेवर में फैसला करें तो फेवर में करें, किसी के अगेंस्ट फैसला करें तो उसके अगेंस्ट फैसला सुनाएं और बाद में उसको यूनाइटेड नेशन इन्फोर्स करवाएं।
और 1945 के अंदर ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बनाया गया, बट इसने प्रॉपरली वर्क जो है वो अप्रैल 1946 को करना स्टार्ट किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपोजिशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉलोइंग आर द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नंबर ऑफ जज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 15 जजेस होते हैं, 15 जज होते हैं, जो कि इनका जो टेन्योर है वो 9 साल का होता है, बट हर 3 साल के बाद 5 जज रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर उनकी जगह के ऊपर 5 नए इलेक्ट होते हैं, फिर अगले 3 साल के बाद 5, फिर नए 5, फिर अगले 3 साल के बाद 5, फिर नए 5। तो उस तरह से 9 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस होते हैं, जो हर 3 साल के बाद 5 जजेस उसमें से रिटायर्ड हो जाते हैं, और इस तरह से ये 9 साल का अपना टेन्योर पूरा करते हैं, हर 3 साल के बाद 5, हर 3 साल के बाद 5, हर 3 साल के बाद 5 जजेस रिटायर्ड हो गए, फिर उनके जगह पर 5 इलेक्ट हुए, फिर 3 साल बाद जो है ना उसके 3 साल बाद जो जजेस 5 रिटायर्ड हो गए, जिनकी 9 साल की जो सर्विस हो जाएगी, जिनका 9 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा वो 3 साल के बाद, फिर अगले 3 साल के बाद जिनका 9 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा फिर उनकी जगह पर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर जो पहले अपॉइंट हुए थे उनका 3 साल के बाद टेन्योर पूरा हो जाएगा 9 साल का, फिर वो रिटायर्ड हो जाएंगे उनकी जगह के ऊपर नए। तो इस तरह से हर 3-3 साल के बाद 5-5 जजेस जो हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं अपना 9 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद, फिर अपने 9 साल पूरे करने के बाद। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई भी जज मौजूद ना हो, बट जो कोरम ऑफ द कोर्ट है उसके लिए जरूरी है कि 9 जजेस का होना, तो लिहाजा 9 जजेस एट अ टाइम मौजूद होंगे, क्योंकि हर 3 साल के बाद जब 5 जजेस रिटायर्ड होंगे तो पीछे 10 जज तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 9 जजेस का कोरम जरूरी है किसी भी केस को सुनने के लिए। नंबर ऑफ जज 15 जज होते हैं। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल शैल अपॉइंट द जज फॉर द कोर्ट बाय द वे ऑफ इलेक्शन। जो जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल ये इलेक्शन के थ्रू जजेस को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत से जजेस अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और भी डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के और डिफरेंट ममालिक के जजेस यहाँ पर अपनी डिफरेंट ममालिक के जजेस साहबान यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जैसे कि आपको बता दिया जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इलेक्शन के थ्रू इसको अपॉइंट करते हैं। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जजेस ऑफ कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर बट 5 ऑफ देम शैल बी रिट्रेन आफ्टर ईच 3 ईयर। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस ऑफ कोर्ट शैल अपॉइंट फॉर द पीरियड। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो इसका मेथड है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन के जरिए जजेस को अपॉइंट करते हैं। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस ऑफ कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर बट 5 ऑफ देम शैल बी रिटायर्ड आफ्टर ईच 3 ईयर। उनमें से 5 जो है 3 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं अपना 9 साल के टेन्योर पूरा करने के बाद। कोरम ऑफ कोर्ट, कोरम ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिक्स्ड विच इज ऑफ 9 जज। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोरम है वो फिक्स है, 9 जजेस उसके लिए होना जरूरी है किसी भी केस को सुनने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट, आफ्टर एवरी 3 ईयर द कोर्ट शैल इलेक्ट इट प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट शैल प्रिसाइड द केस ऑफ द कोर्ट। हर 3 साल के बाद जो कोर्ट है वो अपना प्रेसिडेंट मुंतखब करती है, मतलब जो 15 जजेस हैं वो अपने प्रेसिडेंट को बनाते हैं हर 3 साल के बाद, तो वो केसेस को डिसाइड करता है, उनकी हियरिंग्स को डिसाइड करता है, उनके टाइम डेट नॉमिनेशंस को डिसाइड करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट, आफ्टर एवरी 3 ईयर अलॉन्ग विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ही शैल आल्सो इलेक्ट इट्स वाइस प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट शैल इलेक्ट एज प्रेजिडेंट इन द एबसेंस ऑफ प्रेजिडेंट। ऐसे ही 3 साल के साथ प्रेजिडेंट के इलेक्शन के साथ ही वाइस प्रेजिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है, जो कि प्रेजिडेंट गैर मौजूदगी के अंदर वहाँ पर अपनी प्रेजिडेंट वाली ही जिम्मेदारी सर अंजाम देता है। यह फंक्शन और जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कंटीशियस जुरिस्डिक्शन। कंटीशियस जुरिस्डिक्शन इज सच जुरिस्डिक्शन विच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड any case where the consent of parties jurisdiction, there is a general rule of law of international court of justice that court cannot decide any case without the consent of the parties to a case until any party file the case before the ICJ, because court is not entitled to initiate any proceeding on his own direction. Contentious jurisdiction kya hoti hai, jab do party apni marzi ke sath international court of justice mein jati hain ke my lord janab हमारा ये इशू है, हमारे ये दरमियान में ये प्रॉब्लम है, हम दोनों के दरमियान में ये एक प्रॉब्लम आ गई, आप इसको सॉर्ट आउट कर दें, आप इसका हल कर दें, मैं भी राजी हूँ कि आप फैसला कर दें, ये पार्टी भी राजी कि आप फैसला कर दें, तो लिहाजा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके ऊपर हियरिंग स्टार्ट कर देगी। इसकी एक बड़ी ही खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे पास कुलभूषण यादव केस के अंदर है, जहां पर इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर गया था और पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसकी कंसेंट दी थी कि हमें भी मंजूर है आप इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी कंसेंट देने के बाद कुलभूषण यादव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चलाया गया, जहां पर इस केस के अंदर डिफरेंट फैक्ट है, किसी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली और किसी हद तक पाकिस्तान को नाकामी भी मिली। बहुत से मामलों के अंदर पाकिस्तान अपना मौकफ मनवाने में कामयाब भी रहा और बहुत से मामलों के अंदर पाकिस्तान अपना मौकफ मनवाने में कामयाब नहीं रहा।
बट इन फर्दर ये हमारा टॉपिक नहीं है, कभी इसके ऊपर मैं लेक्चर डिटेल लेक्चर अपलोड करूंगा कुलभूषण यादव केस के ऊपर, ताकि मैं आपको मैं बेहतर फैक्ट से समझा सकूं। बट एनीवे एक एग्जांपल थी कि कुलभूषण यादव का जो केस है वो पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी से आईसीजे के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चलाया गया था। कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन सच जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट व्हेन कोर्ट डिसाइड एनी केस विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज टू अ केस इज कॉल्ड कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। बट इन क्लासिक इंटरनेशनल लॉ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, बट रिसेंटली इट हैज बीन एक्सेप्टेड ड्यू टू द dire need of time that the court will perform with the right of compulsory jurisdiction after the approval of a united nation. Compulsory jurisdiction ka matlab yani ke contentious jurisdiction ke andar jo humne padha ke court ke paas dono parties apni marzi se aayenge ki ji hamara is mamle ko aap sort out kar de. Compulsory jurisdiction ke andar court ka apna ikhtiyar hoga ki kisi bhi mamle ko like kashmir ka mamla the court usko khud se hi jo hai so motos ke upar le lege ji is mamle ko hamare paas bhijwaye hum is mamle ko take off karte hain hum is mamle ko dekhte hain. तो अभी तक ऐसी कोई एग्जांपल तो नहीं आई, हम इस मामले को देखते हैं, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, हम इसको अपहोल्ड करते हैं, तो अभी तक तो ऐसी कोई केस हमारे सामने नहीं आया, ऐसी कोई एग्जांपल हमारे सामने नहीं आई जहां पर यूनाइटेड नेशन की जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसने खुद से किसी मामले को अपने पास मंगवाया हो, उसकी हेयरिंग की हो। बट अब इसको एक्सेप्ट जरूर कर लिया गया कि अगर आईसीजे चाहे तो किसी भी मामले की हेयरिंग कर सकती है, बट विद द परमिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की परमिशन का लेना जरूरी है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, advisory jurisdiction is such jurisdiction of international court of justice where court only gives a advisory opinion to the state on a question of law. In this case consent of the parties is not needed at any cost and court give his opinion at the time when it is asked by the general assembly or security council, while such opinion cannot be enforced by law on the parties. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से मुराद अगर कोई मुल्क कोई स्टेट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर किसी भी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर किसी भी एम्बिग्विटीज के ऊपर ICJ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये इस्तदा करता है कि हमें ये समझाएं कि क्या हमारा ये लॉ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है या इस तरह से है या नहीं है, या हमें इस बारे में आप अपनी राय दें कि हमें ये लॉ बनाना चाहिए या नहीं, कोई भी इस तरह की अगर वो राय तलब करते हैं ICJ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस राय उनको वो राय देने की बाउंड है। बट जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी राय देगी अपनी ओपिनियन देगी अपनी एडवाइस देगी, ज़रूरी नहीं कि वो मुल्क उसको मनोआन कबूल करे और उसको अपने ऊपर नाफिज कर ले। Ad hoc jurisdiction is such jurisdiction when international court of justice makes a committee to settle one particular dispute of the state is called ad hoc. After settlement of such dispute the committee comes to an end. Ad hoc का मतलब होता है limited, timely, खास मकसद purpose या specific time के लिए। तो जब international court of justice कोई ऐसी committee बनाते हैं जो किसी खास मकसद को, for example पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अक्सर ये बॉर्डर के ऊपर कशीदगी रहती है, तो ICJ वहाँ पर एक कमेटी भिजवा देगा जी आप देख कर आएँ कि क्या वहाँ पर फायरिंग हुई या नहीं हुई, किसने की, किसने उसका जवाब दिया, पहल किसने की। तो एक कमेटी आएगी वो यहाँ पर एनालिसिस करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी और अपनी जो रिकमेंडेशन है वो ICJ को भिजवा देगी। तो वो कमेटी एक खास मकसद और पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। पर्पज़ क्या था? पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जाएँ, देखें कि फायरिंग हुई, अगर हुई तो किसकी तरफ से पहल हुई और जवाब किसने दिया। तो इन तीन चार क्वेश्चन को उसने आंसर लेना, आंसर लेकर उसने ICJ को सबमिट करवा देना, उसके बाद वो कमेटी खत्म। इट डस नॉट मीन कि वो कमेटी हमेशा हमेशा के लिए बन गई, अब जहां पर अभी जिस भी बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होगी वो कमेटी वहां पर पहुंच जाएगी, नो, वो एक खास मकसद के लिए एडहॉक बेसिस के ऊपर बनाई गई थी, उसका मकसद पूरा हो गया तो वो खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करना, सॉल्व करना, मामला को हल करना अफहाम तफहीम के साथ। प्रोविजन ऑफ जस्टिस, स्टेट को जो कमज़ोर स्टेट हैं जो लाचार हैं जो इस काबिल नहीं कि वो इंसाफ ले सके उनको इंसाफ फरहम करना बड़ी स्टेट से लेकर बड़ी स्टेट के मद्द मुकाबिल। मेंटेनेंस ऑफ पीस, अमन को कायम रखना, मामलात को ख़राब होने से बचाना, दो ममालिक आपस में किसी तनाज़े के ऊपर उलझ रहे हैं तो उनको अपने पास बुलवा लेना, उनके मामलात को हल करना इफ़ाम व तफ़हीम के साथ और अमन को मेनटेन करना, अमन को कायम करना। प्रोहिबिशन ऑफ वेगिंग वॉर, बेसिकली इसका एक और जो बड़ा मकसद है वो ये भी है कि ममालिक को जंग से रोकना। जाहिर बात है कुछ दो मुल्कों के दरमियान में कोई अगर मसला आ जाएगा उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक गुस्से और शिद्दत की तरफ चला जाएगा और वो बाद में जंग का बायस बनेगा, तो इसलिए उन मसाइल से बचाने के लिए जो ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस केस को अपने पास मंगवा लें कि जब आप हमारे पास आ जाए हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको हल करते हैं। एलिजिबिलिटी टू सबमिट केस इन द कोर्ट, एलिजिबिलिटी क्या है? मेंबर ऑफ स्टेट एट प्रेजेंट ओनली 192, अभी तक अलमोस्ट राउंड अबाउट अभी एक दो मेंबर ज्यादा भी हुए बट जो रजिस्टर्ड है 192 मेंबर्स हैं। स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन कैन फाइल द केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड आर एलिजिबल टू अपियर बिफोर द कोर्ट, बट अ स्टेट कैन फाइल केस और नेशनल ऑन इट्स ऑन एंड कैन लॉन्च द स्टेट फॉर द रॉन्ग कमिट बाई द अदर स्टेट। इन दिस केस ICJ विल फैसिलिटेट द स्टेट।
जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के 192 192 स्टेट हैं वो केस फाइल कर सकती हैं ICJ के अंदर, या किसी अगर मुलक ने उनके साथ ज्यादती की तो उस ज्यादती के लिए भी वो ICJ से रुजू कर सकती है जो उनको फैसिलिटेट करेगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ एनी इंडिविजुअल्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंटाइटल टू फाइल द केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस कोर्ट विल नॉट फैसिलिटेट सच पटिशनर्स बिकॉज दे आर आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो नॉन गवर्नमेंट स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या कोई कंपनीज, कॉरपोरेशन, फर्म्स, इस तरह के जितने भी जो इंडिविजुअल्स इंटाइटलशिप रखते हैं, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी रखती हैं, वो ICJ के अंदर केस को फाइल नहीं कर सकते, चूंकि ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। नेचर ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट आर बाइंडिंग अपॉन द पार्टी टू केस आर्टिकल 94 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर ले डाउन दैट ईच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन अंडर एन ऑब्लिगेशन टू ओबे द डिसीजन ऑफ द कोर्ट फॉर एनी केस डिसीजन आर फाइनल एंड विदाउट अपील बट अदर पार्टी कैन अप्लाई फॉर रिविजन ऑफ डिसीजन। जो आर्टिकल 94 यूनाइटेड नेशन चार्टर का है वो ये कहता है कि अगर ICJ ने कोई केस का फैसला सुना दिया तो ये दोनों स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा और इसको मानना ज़रूरी होगा। अगर कोई स्टेट नहीं मानती तो फिर इसके खिलाफ फर्दर मोर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर आप ICJ के पास आए हो तो फिर इसको आपको मानना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप एक शख्स के पास, एक स्टेट के पास, एक अदारे के पास जाते हो कि जी मुझे भी आप पर एतमाद है और इस शख्स को भी आप पर एतमाद है, तो आप हम दोनों के दरमियान में मामले को सॉल्व करें, और फिर जब वो आपके खिलाफ फैसला दे दो आप उसे इनकार कर दे तो इखलाकी तौर के ऊपर भी आपका कम दर्जा है कि आप उसको मानने से इनकार कर दें, फिर वो आपके ऊपर फ़र्ज हो जाता है मानना, हमारे मजहबी लिहाज से भी फिर वो आपके ऊपर बाइंड हो जाता है। तो अगर आप इसके खिलाफ कोई अपील तो चूंकि नहीं होती, बट इस केस के खिलाफ आप उसी कोर्ट के अंदर रिवीजन जरूर फाइल कर सकते हो, नजर सानी की अपील जिसको कहते हैं। नेक्स्ट एडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और मेरी वीडियोज़ को तमाम अपने सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना ना भूला करें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।